ज्योति राय पुंडिया जी और सुरक्षी राय पुंडिया जी जिन्होंने कड़ा संघर्ष किया उन्होंने तो प्रेरणा लैके बाबा साहब अंबेडकर जी ने कड़ा वनवास संघर्ष किया। छत्रपति शाहू जी महाराज जी की शहादत के नाल देशों विदेशों में जाके उच्च विद्या प्राप्त की। जो भारत में साइबर कमीशन आया भारतीय मूल निवासियों की तस्वीर हाल देखने बाबा साहब ने इसका स्वागत किया और इंग्लैंड में गोल मेजर कॉन्फ्रेंसां होईआं और संतां महापुरशां ने सतगुरु स्वामी सतनाम जी महाराज सतनाम जी ने उस खास कारका ने भारत के कोने कोने तो इंग्लैंड के कारा भेजिया कि जो जन समाज के नेता बाबा साहब अंबेडकर हैं और जिस वेले अधिकार मिले अधिकार के खिलाफ मन पर रखे गए और बाबा साहब के हक विच बहुमुखुरान द्वारिया जी ने मन पर रखा कि मूल निवासियों को अधिकार मिलने चाहिए हैं और उसके नाल मानपुर की संकट ला गए सब तो सतगुरु स्वामी सरबंदाल जी महाराज 1932 बाबू गुरु राम गवालिया जी का नाम वर्त जूस प्राप्ति को पाया और बाबा साहब अंबेडकर जी को 1959 वर्ष दिल्ली के मिल गए और बाबा साहब अंबेडकर जी तो जिन्होंने सतगुरु स्वामी सरबंदाल जी महाराज जी ने पढ़ाया से वो फर्स्ट क्लास प्रोफेसर बने यानी मीठा राम सरदार जी सिंह जी सरदार सिंह जी नामा नाम के माना वो अक्सर बाबा साहब अंबेडकर के संपर्क में रहते सन और उन्होंने सतगुरु स्वामी सरबंदाल जी महाराज की महिमा दसी और बाबा साहब अंबेडकर जी ने उन्होंने मिलने की इच्छा जाहिर की और सतगुरु स्वामी सरबंदाल जी महाराज के आदि निष्ठा नाल लैके दिल्ली विखे निवास स्थान से बाबा साहब अंबेडकर जी मिले और बड़े प्रभाव फिर उन्होंने बात किया कि समाज खेतर के महापुरुष महान होंगे और समाज तरक्की करेगा और 1953 में बाबा साहब अंबेडकर जी पंजाब आए लुधियाने विखे माता चंदो जी समाध से गए संत ब्रह्मदास जी और सतगुरु स्वामी सरबंदाल जी महाराज जी को क्रांतिकारी संसार संत ब्रह्मदास जी तो बाबा साहब अंबेडकर जी प्रश्न पूछा नाम जी तुम किस मानते तो संत मान ब्रह्मदास जी के जिला मेरी कौम में सहारा दे तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा मैं पुत्र कौन की गल करना तुम उसको भी 100 साल देकर मेरी गल कर दी और बड़े प्रभावित हुए और संत ब्रह्मदास जी ने कहा कि साढ़े समाज के लिए आज वैसा हो असं हमेशा थोड़े नाल खड़े हाँ और इस वेले बूटा मंडी बाबा साहब अंबेडकर जी आए माना सरबंदाल जी चिट्ठी दे के आए मेरे श्री पुत्र तीसरा संघर्ष करता रही आने वाली पीढ़ियां तेरे नाल करनगियां और तू महान बनेगा। सतगुरु स्वामी सरबंदाल जी महाराज कृपा दे के आए बाबा साहब अंबेडकर ने जीवन पर संघर्ष किया बड़िया कठिनाइया के नाल उन्होंने विद्या प्राप्त की और उन्होंने चार बच्चे सन अनाज के रूपों अपने जीवन की तरह समाप्त कर गए और उन्होंने भारतीय संविधान लिखा और बड़े बड़े काम किए सेंट्रल जनरल बैंक की स्थापना की और महान अर्थशास्त्री सन
उन्होंने हर पद में बड़ा वड्डा ज्ञान से जिन्होंने भारतीय संविधान के पूरे भारतीय लोगों को तरक्की का राह खोलिया, जिस समाज ब्रिटिश समाज में जो मानवीय अधिकारों को ब्रिटिश सी एससी एसटी बीसी ओबीसी दे रिजर्वेशन का प्रबंध किया ताकि भी मुख्यधारा आ जो कनेडा अमेरिका आस्ट्रेलिया इंग्लैंड जाके देखा जाता है उत्ते जो मूल वासी हैं उन्होंने भी इजाजत मिली है उन्होंने भी सैट हम हक मिले हैं ताकि वो भी अगे वधन और भारत के मूल वासियों को संविधानक हक मिले और बाबा साहब अंबेडकर जी 6 दिसंबर 1950 को महापुरुषों को प्राप्त हुए और उन्होंने एक सुनेहा दिता कि मेरा मेरे आने वाले पैरों कारण सुनेहा है कि मैं बड़ी कठिनाइया के नाल इस कारोबार में धक लिया हाँ जे अगे लैके जा सकते तो किसी नाल के पिछे ना आते हैं और आने वाले पैरों कारण अगे लैके जाएंगे तो बाबा साहब अंबेडकर जी की बड़ी वड्डी देन है। अजोके समय में जिससे सामने अपनी धार्मिक पहचान बरकरार रखने की जरूरत है उनसे नागरिक संविधान के खाते पैदा देने की जरूरत है जो भेदभाव की संधियों की जड़ सी मनुस्मृति जिसके खिलाफ जयपुर दास जी महाराज सतगुरु कबीर साहब महाराज सतगुरु नामदेव जी महाराज ने उस भेदभाव वाली दस्ता और वो कहना दुआ ने आवाज बंद की और जगत गुरु रविदास जी महाराज ने प्यार किया रविदास ब्राह्मण पथ पूजिए जो हो गए हीन पूजिए जगत डाल के जो हो गए गुरु पर गए जेकर कोई जग समझी जाती अगर ब्राह्मण पैदा होया तो गुरबे जोड़ नहीं है जेकर वो गुणहीन है जिसको चटाल समझा जाता जेकर वो उन्होंने परवीन है वो पूजे योग है जन्म के आधार से इसके सामने
जो मानव रत्न व्यवस्था है इसका विरोध करना चाहता है और अपने बच्चा अपने रहना गुरुआ संता महापुरुषा समाज धर्म के इतिहास में जोड़ना चाहता है और अपने घर अपने महावैद जगत गुरुदास महाराज की तस्वीर लगाओ और अपने संता महापुरुषा की जो उन्होंने विचरों के लैके जा रहे हैं जिन्हों महापुरुषा ने मूल निवासी समाज से संघर्ष किया उन्होंने तस्वीर बनाया चाहिए हैं बाबा साहब अंबेडकर जी उन्होंने तस्वीर होनी चाहती है और जो तस्वीर अं देखते हाँ कि उन्होंने संघर्ष बारे विचार करते हाँ तो अपने बच्चों सानू अपन आने वाली पीढ़ियां अपनी धार्मिक पहचान दसिया धरपा कर रखनी चाहती है उनके बोल समाज में सारे ही भारतीयों भारतीय संविधान से तय रखना चाहता है ताकि अपन आने वाली पीढ़ियां उधर फिट देकर जावे और जो अभी व्यवस्था है वो मानवता है भेदभाव वाली व्यवस्था है जिसका मान मीडिया वालों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रचार किया जाता है तो सानू अपने रहना गुरुआ संता महापुरुषा हमेशा याद रखना चाहता है अब विश्व भर के बाबा साहब अंबेडकर जी को याद किया जाता है जो उन्होंने बहुत बड़ी देन है बहुत बड़ा संघर्ष है जिसका बयान नहीं किया जा सकता उन्होंने देशों विदेशों में संघर्ष किया और छत्रपति शाहू जी महाराज जी जो जनरेशन के जन्मदाता उन्होंने प्रेरणा नाम उन्होंने खर्चे से विदेशों में जाके उच्च विद्या प्राप्त की और उच्च विद्या प्राप्त करके लेफ्टिनेंट जनरल लगन तो बाद उन्होंने सामने चपरासी फैला सकते सन तो उन्होंने मुहैया कर लिया कि मैं समाज के गुलामी जिला कटने ना कटिया फिर अपने आप गोली मार के अपने जीवन समाप्त कर लिया तो गुरु गोबिंद साहब संत जी विश्व भर में बाबा साहब अंबेडकर याद किया जाता है उन्होंने बहुत बड़ी देर है और उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी है उन्होंने चार बच्चे जो हैं अलाज के दुखों संसारी यात्रा पूरी कर गए जो उन्होंने लिखा संविधान है जो उन्होंने लिखिया हुई किताबा हाँ वो साढ़े लिए प्रेरणा स्रोत हाँ और जिस प्रेरणा स्रोत से चल के असं अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हाँ तो असं अपने महापुरुषों के प्रतिनिधान के समाज धर्मों के प्रतिनिधान के सिक्के बनाते हाँ तो उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया उसमें अगर बढ़ाइए तो सानू बाबा साहब अंबेडकर जी के संघर्ष के दौर जो हाथ टूट रहे हैं पहले अपने महावैद जगत गुरुदास महाराज को हमेशा याद रखिए और बाबा साहब अंबेडकर जी हमेशा याद रखिए अपने संतान महापुरुषों को याद रखिए जिन्होंने दौर सानू हाथ टूट रहे हैं और उन्होंने जो घटना है संघर्ष है उन्होंने बारे अपने बच्चों को दसीए और अपने बच्चों को उस संघर्ष के नाल जोड़ के उन्होंने प्रेरणा स्रोत संघर्ष इस वे बन जाएगा तो उन्होंने दसे हुए मार्ग से चलेंगे तो सानू अपने महारहता गुरुआ संता महापुरुषा समाज धर्मों के दसे हुए मार्ग से चलना चाहता है तो बाबा साहब अंबेडकर जी को जो सच्ची सुची श्रद्धांजलि मिलेगी कि असं अपने बच्चों को वध तो वध विद्या पढ़ाइए घर मकाना का डर का त्याग करिए नशा का त्याग करिए घर में प्रेम वाला माहौल बना के रखिए अपने माता पिता की सेवा बड़े का सत्कार छोटिया प्यार करिए जीवन मेहनत करके करिए अपने संता महापुरुषों की संगत में जाइए और उन्होंने प्रेरणा लेके अपने जीवन को खुशहाल बनाइए यही बाबा साहब अंबेडकर जी की सच्ची सुची श्रद्धांजलि होगी जय गुरुदेव जो बोले सुंदर पै जगत गुरुदास महाराज की जय जो बोले सुंदर पै सतगुरु स्वामी सरदास महाराज की जय।